खबर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और सबसे बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सिवान में एसवीयू की टीम भ्रष्ट अधिकारी के आवास पर छापेमारी करने पहुंची है। मुजफ्फरपुर में निबंधन विभाग के एआईजी पद पर तैनात है प्रशांत कुमार के आवास पर ये छापेमारी हो रही है। आपको बता दें सिवान और पटना के आवास पर ये टीम छापेमारी कर रही है। सिवान के महादेवा ओपी थाना के महादेवा में स्थित आवास पर ये छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर टीम छापेमारी कर रही है। आपको बता दें आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। एसवीयू की जो टीम है वो काफी देर से आवास के अंदर तमाम जो दस्तावेज है वो खंगाल रही है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि कितनी की संपत्ति इस आवास से जब्त की गई है। मौके से जायजा लिया है हमारे संवाददाता अमित सिंह ने, आप देखिए। मुजफ्फरपुर में एआईजी पद पर निबंधन विभाग में कार्यरत प्रशांत कुमार के सिवान आवास पर इस वक्त विजिलेंस टीम की छापेमारी चल रही है। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो उनका आवास है, यहाँ पर जो विजिलेंस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार जो कमरे हैं उनमें जो दस्तावेज रखे हुए हैं उन दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। साथ ही जो संपत्ति रखी गई उसकी भी जांच की जा रही है कि क्या कुछ यहाँ पर रखा गया। लेकिन अभी जो विजिलेंस की जो टीम है वो अभी कुछ भी बोलने से साफ बच रही है और जो उनकी टीम मौजूद है वो इस मकान के अंदर है और साथ ही साथ जो पुलिस बल हैं उनको भी यहाँ पर तैनात रखा गया है। कई जो थानों की पुलिस है उनको यहाँ पर बुलाया गया है और बाहर में तैनात किया गया है। साथ ही जो प्रशांत कुमार के जो पटना आवास है उस पटना आवास पर भी छापेमारी चल रही है और वो और सिवान के आवास पर छापेमारी चल रही है। जो शिकायत थी कि उन पे आय से अधिक संपत्ति है इसको लेकर जो विजिलेंस की टीम है वो लगातार इन पर नज़र बनाई हुई थी और आज इनके दो मकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने सदस्य की टीम पहुंची है और साथ ही साथ अभी तक क्या कुछ बरामद किया गया है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित सिंह, जी मीडिया, सिवान। तो देखिए विशेष निगरानी टीम की कार्रवाई मुजफ्फरपुर में भी जारी है। प्रशांत कुमार के पटना और मुजफ्फरपुर सिवान के कई स्थानों पर छापेमारी चल रही है। प्रशांत कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है और उसके बाद 2,06,80,000 से ज्यादा संपत्ति का जो मामला है वो दर्ज किया गया है। तो आप ये दो तस्वीरें देख सकते हैं। प्रशांत कुमार की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। उनके दो ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, सिवान और मुजफ्फरपुर। आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आप ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुश्किल में है एआईजी प्रशांत कुमार। आप तस्वीरें देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सिवान से आप तस्वीरें देखिए, वहीं मुजफ्फरपुर में भी उनके आवास पर छापेमारी चल रही है। तो विशेष निगरानी टीम की कार्रवाई हो रही है, मुजफ्फरपुर में भी चल रही है। प्रशांत कुमार के पटना और मुजफ्फरपुर सिवान के कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी हो रही है। हालांकि फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है कि कितनी संपत्ति बरामद हुई है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं, लेकिन बड़ी कार्रवाई यहां पर आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मनीतोष जुड़ गए हैं। मनीतोष, चूंकि मुजफ्फरपुर में भी चल रही है छापेमारी, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, मुजफ्फरपुर से क्या कुछ जानकारी है? मुजफ्फरपुर में एआईजी के दो ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एक सुरैसी ऑफिस में चल रही है छापेमारी और दूसरे जगह इनके निजी आवास जो है असियाना प्लाजा में वहां चल रही है। दो टीमें यहां पे काम कर रही है लगातार। सुबह 8:30 बजे के करीब से ये दोनों एक जगह रेड शुरू हुई है और दूसरी जगह सुबह में 6:30 से रेड शुरू हुई है। दोनों जगह फिलहाल अभी दो टीम रेड कर रही है। चारों सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी तैनात कर दी गई है और इनकी घर के जो कागजात वगैरह है सभी को जांच पड़ताल किया जा रहा है। हालांकि अभी भीतर से बाहर अंदर से कुछ बात सुन के बाहर आई नहीं है। ये पलट मनीतोष, आपको क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है कि क्या कुछ कागजात बरामद किए गए हैं, क्या कुछ और खुलासे होने की संभावना, क्या कुछ आपके पास जानकारी इसको लेकर? जी इसके लोग जो अंदर ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो कुछ बातें जो बाहर आई है उसमें ये लग रहा है, ये मालूम जानकारी मिल रही है कि ये भ्रष्टाचार के मामला को लेकर इनके यहाँ रेड चल रही है, छापेमारी चल रही है इनके यहाँ, और जो ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है इसमें। ये पलट जी मुजफ्फरपुर सिवान में तो छापेमारी चल ही रही है, क्या कुछ आपके पास और जानकारी, क्या किसी और ठिकाने पर भी चल रही है छापेमारी?
जी, इनके अलावा इनके और ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जी जी। दीवान में भी इनके पैतृक आवास जो उनका मुख्य आवास है वहाँ पे भी छापेमारी चल रही है। जी। आप नजर इस पर रखिएगा, अपडेट आपसे आगे लेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने जानकारी भी दी कि मुजफ्फरपुर पर उनके आवास पर चल रही है छापेमारी, और सिवान में आप ये देखिए तस्वीर, आप देख सकते हैं आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। प्रशांत कुमार हैं, AIG हैं, मुश्किलों में अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सिवान और पटना स्थित आवास पर छापेमारी चल रही है, वही मुजफ्फरपुर में भी उनके आवास पर छापेमारी चल रही है।